हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स टेक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉलम के लिए फुटिंग के बाद स्टार्टर कैसे बनाएं। स्टार्टर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ता है, सबसे पहले हम लोग जो भी हमने पहले से भुर्जी बना के रखी है उस पर आप जाके धागा लगाएँ, सूता लगाएँ और सूता पे हर एक सेंटर पॉइंट मार्क कर दें और उसके अकॉर्डिंग साउल गिरा के आप लेआउट कर सकते हैं। लेआउट करने के लिए आपको तीन पॉइंट चाहिए होगा, मेन सूता के अलॉन्ग एक सेंटर पॉइंट और एक दोनों फेस लाइन। धागा का सेंटर पॉइंट मार्क करते समय ये ध्यान रखें कि धागा जो है किसी भी कॉलम के सरिये से, रॉड से सटा हुआ ना रहे, नहीं तो आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकता है जिसकी वजह से आपका कॉलम आउट हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि कोई भी धागा जो है कॉलम में ना सटा हुआ रहे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, हम जो मार्किंग कर रहे हैं उसमें चारों तरफ से कवर 40 mm का आना चाहिए। साउल लेते हुए या प्लम्बब गिराते हुए ये ध्यान रहे कि ये प्लम्बब का जो पॉइंट होता है, निचला पॉइंट, वो ज़्यादा हिले ना, एकदम स्थिर रहे। नहीं, अगर ज़्यादा हिलेगा, 5 या 10 mm हिलता रहे तो आपका कॉलम आउट हो सकता है उतनी 5 या 10 mm। इसीलिए साउल लगाते समय बहुत सावधानी से आप साउल लगाएं। ऐसे आदमी को साउल लगाने के लिए बोले जिसका हाथ स्थिर हो, कांपता ना हो। अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो आपको मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप सरिया लगा सकते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, एकदम मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है धागा में। 1 mm 1/2 mm सटा के आपको ये लगा देना है। उसके बाद स्टार्टर का फार्मा बना के स्टार्टर को भरिए और कॉलम का फार्मा लगा के कॉलम आप डाल सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फार्मा कैसे बनाते हैं स्टार्टर का और कॉलम हम लोग कैसे स्टार्टर को भरेंगे।